उसका यूट्यूब पर है। हाँ यूट्यूब का उच्च कर हाँ सही जनता दर अगर उसको तो आप नशा होता गवर्नमेंट जो नशा होता है नशा होता है रामा का हमने हम नहीं मानते कॉमरेड नुकरा लेकिन आज हमारे जो मुलाकात में एक एक पीएमसी के दोबारा कंडक्टर और हमारा दूसरा मुलाकात ये है कि हमारे साथियों को सुपरवाइजर बन दिया जाए। जैसे कि कल रात मैंने एक वीडियो देखी तो मुझे बहुत ज्यादा मुझे इतना अफसोस हुआ कि मेरे यहाँ पेपर आया। मैंने देखा कि हमारे साथियों को पेड़ बकरियों की तरह गाड़ियाँ भर रहे थे, जैसे पेड़ बकरियों को गाड़ियों में हमारे साथियों को पेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में डाल रहे थे, जितनी उनकी तादाद में ज्यादा गाड़ियाँ भर रहे थे। क्या हमारे साथियों के शिक्षक थे वही बात दोहराना चाहती हूँ कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पे वापस इकट्ठे हुए हैं। कल हमारा एक ही मुलाकाता आज हमारे दो मुलाकात है, एक पीएमसी द्वारा फिजिकल कंडक्ट करे और दूसरा हमारा मुलाकात ये है कि हमारे दोस्तों को सही सलामत बाइज्जत बरी किया जाए। जेलों में जाके जिंदा है, लाठी भी खाके जिंदा है, होली की खातिर जिंदा है, मेरे देश की तलबा जिंदा है, क्वेटा की तलबा जिंदा है, अखरार की तलबा जिंदा है। मैं अभी उमेर बलोच का देता हूँ, क्या जय कभी ख्याल के जार करे उमेर बलोच। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। भाइयों बहनों, कल पिछले रोड पे हम बैठे थे, उनको हमारा ये पसंद नहीं था कि इस रोड से आप उठ जाएं, उनको ये पसंद नहीं था।
इससे पहले 12 दिन, इससे पहले 12 दिन लाजमी ने रोल बंद किया, हमारे पास कुछ नहीं था। एस पी इरतजा को एक घंटे के अंदर सारा रोड खाली कर दो, वरना हम आप लोगों को ऐसे उठाएंगे जैसे रोड से कचरा उठाया जाता है। नाराज ना हो तो फिर क्या हो, आप हमें कचरा भी नहीं समझते, कचरे तो आपके रोडों पे पड़े हैं, आप उनको तो नहीं उठा सकते, लेकिन हमारे उठाने के लिए कल आपने फोर्सेस भेजी डंडों के साथ लाठियों के साथ, रात मुंतशिर किया हमें हमारे पुलिस वालों ने, और बड़े शर्म की बात है हमारे साथ खवातीन भी थी, हमारे साथ खवातीन भी थी, कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं था, कोई लेडीज कांस्टेबल नहीं था, शर्म आनी चाहिए इस पुलिस को। बलोच और पश्तून कहते हो, बलोच और पश्तून की ये रवायत नहीं होती, शायद आप बाहर से कहीं से लाए गए हो, या आपको आपके अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा, ये हमारे हमारी रवायत नहीं है, आपने ये मैली वर्दी पहनी हुई है, सात सात दिन से आपने इनको धोया नहीं है, शर्म मानी चाहिए थी रात को आपको, आप छोड़ देते, ऑर्डर नहीं मानते, कहते कि हम अपने बच्चों के ऊपर ये डंडे नहीं बरसाएंगे, मजे की बात, वहाँ से भगाते भगाते फिर एक सिपाही जो मेरे ख्याल पैसे लेके बैठो भाई, इनको तकलीफ पहुंचेगी हम इनको पहुंचाएंगे, पहुंचेगी हम पहुंचाएंगे आपको, शुरुआत आपने किए थे हम करेंगे, तो वहां से इन्होंने हमें मुंतशिर किया प्रेस क्लब, अगर यहां पे कोई क्रिमिनल भी आए, इसके साए के नीचे क्रिमिनल भी आए, उसको भी फोर्सेस गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये गुंडा फोर्स है, वहाँ पे आके लड़कों को कहा कि आप अगर गिरफ्तारी देना चाहते हैं तो आए बैठ जाएं आके अंदर, तो जब वो गए उन्होंने बहादुरी के साथ गिरफ्तारी दी, इन्होंने इस बुजदिल पुलिस ने उनके ऊपर डंडे बरसा कर गाड़ियों में बिठाया, बहादुरी की बात करते हो, हमारे साथ तो कुछ भी नहीं था, आप तो डंडों के साथ ही भाग रहे थे रात में, डंडों के साथ ही भाग रहे थे, हम तो हमारे साथ कुछ भी नहीं था, ना कोई पत्ता था ना कोई चीज था, भाग तो आप रहे थे, हम आए फिर भाई से हमारे यार छोड़े बुक है बुक है बुक फिर मजे की बात प्रेस क्लब से गिरफ्तारियां की इन्होंने, इनको चैन सकून नहीं मिला, पता नहीं वो किसकी ऑर्डर थे इनके पास, पता नहीं वो कौन था जिन्होंने इनको ऑर्डर दी, फिर इनकी एक पुरानी सी मोबाइल सेवर हॉस्पिटल के अंदर इन्होंने जख्मी हमारे स्टूडेंट्स को बात सुने, आप लोग स्टूडेंट लोग वो चीज आप सीखने वालों मेरी बात सुनो, बोला
ये लोग आए हैं, ये खड़े हैं, पुलिस वाले खड़े हैं, हमने तरफ देना है, हमने अभी खुली है, बात करो, जब मारे आ रहे तब देखे आपने बुरा मत लेना है, आप इसको मतलब वो यहाँ आ रहे हैं और ये खुद के सामने भाग के जा रहे हैं वाले कचहरी से उसी टाइम आप लोग थोड़ा पीछे हो जाओ फीमेल तक हो रहा है यहाँ पे फीमेल बैठे हैं आप स्टंप हो रहे हैं कितने भी दोस्त भाई बाकी दोस्त हैं तो अगर आप लोग हुक्म करें जी मर्तबा।